मैडम अपने हाथ को ढीला छोड़ते हैं। मैडम इस तरह इंजेक्शन टूट जाएगा। तुम लोग मुझे यहाँ नहीं रख सकते, समझ गए? मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मैडम आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या कर रही है? बात सुनो, या तो तुम लोग मुझे घर भेजो या फिर मैं खुद को मार डालूंगी। मैडम इसे रख दे, कहीं आपको ना लग जाए। प्लीज पास मत आना। गाड़ी तेज चलाने की जरूरत नहीं, वो लड़की कहीं नहीं जाएगी, तुम जानते हो। अपनी खाला से जो मिल गई है, अब तो यहाँ रुकने का मजीद बहाना मिल गया है। दुआ करो कि उसने हफीजा को कुछ ना बताया हो, वरना हमारे ऊपर लगा बदनामी का ये दाग साफ करना पहले दिन से भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे ऊपर अगर कोई दाग है तो वो बस इतना ही कि मैंने नूर से झूठ बोला है, और ये दाग माफी के बगैर साफ नहीं हो सकता। खुश आमदीद, मैं भी हॉस्पिटल से ही आ रही हूँ। हॉस्पिटल से मतलब? क्यों, क्या हुआ? ये कैसे हुआ नाजान? जल गई थी, छाले बन गए। अल्लाह जल्दी शिफा दे नाजान, आइंदा एहतियात करना ताकि ना जलो। बाबा खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बाबा की जान, तो बाइक चला रहे हैं शहजादे? हफीदा खाला के साथ हमने बहुत मजेदार कुकीज बनाए हैं। वाकई में? शाबाश। खाला के साथ भी बहुत मजे किए मैंने। बहुत अच्छा किया आपने। आप मेरी अम्मी को अस्पताल छोड़कर आ गए बाबा। ये कौन है? आओ बेटा। बहुत शुक्रिया, सफर अच्छा गुजरे आपका। दरअसल मैं भी अपने सफर के अख्ताम पर हूँ। मामू, मामू! मामू की जान, भाग कर आओ तुम मेरे पास। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।